हेलो एवरीवन, आज का मेरा ये वीडियो नेचर्स वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट के ऊपर है, जिसमें हमें ये सभी चीज़ें मिलती है। इस फेशियल किट के अंदर हमें एक डी टैन मास्क मिला है जो आप फेशियल से पहले अप्लाई करें, बट मैं इनके फेस पर ये डी टैन मास्क अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि इनके फेस पर किसी भी तरह का टैन नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। स्टेप वन है क्लिंजर। मैं यहाँ पर इनके फेस पे क्लिंजर से अच्छे से मसाज करूँगी 2 मिनट तक। जितना भी इनके फेस पे डस्ट होगा, डर्ट होगा, वो अच्छे से रिमूव होगा। ये ऑल स्किन टाइप फेशियल है, बट मैं इनके फेस पर ये फेशियल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनके फेस पर छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स है, जिससे इनके डार्क स्पॉट्स अच्छे से क्लीन होंगे और इनके फेस को एक अच्छी सी वाइटनिंग मिलेगी। दो मिनट मसाज करने के बाद मैं वेट कॉटन से इनका फेस अच्छे से क्लीन करूंगी। सेकंड स्टेप है स्क्रब, जिसकी मसाज मैं इनके फेस पे करूंगी 5 से 7 मिनट तक। स्क्रब करते समय आप बीच बीच पे पानी का यूज करें और अपने हाथों को गीला करें। जितने भी इनके फेस पर व्हाइटेड्स होंगे और ब्लैकेड्स होंगे, वो स्क्रब करने से अच्छे से रिमूव होंगे। सारे स्टेप्स को आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें और जितने भी स्टेप्स हैं फेशियल के, वो सर्कुलर मोशन में करें, जिससे हमारे फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्किन डल हो रखी हो या डार्क हो रखी हो, तो आप इस फेशियल का यूज़ ज़रूर करें। इंस्टेंट ग्लो के लिए भी ये फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक पे भी इस तरह से अच्छे से मसाज करें, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा टैन होता है। स्क्रब कंप्लीट करने के बाद वेट टिश्यू टॉवल से मैं इनका अच्छे से फेस क्लीन करूंगी और फिर इनके व्हाइटेड्स और ब्लैकेड्स रिमूव करूंगी। ब्लैकेड्स रिमूवर को आप हल्के हाथों से चलाएं, जिससे आपकी स्किन किसी भी तरह से हर्ट नहीं होगी। थर्ड स्टेप है क्रीम, जिसकी मसाज मैं इनके फेस पे करूंगी 10 से 15 मिनट तक। मसाज करते समय मैं यहाँ पर अपने हाथों को गीला रखूंगी और बीच बीच में पानी का यूज़ करती रहूंगी। इस फेशियल को आप 45 टू 50 मिनट तक करें, तभी आपको फेशियल के रिजल्ट्स मिलेंगे। डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए, आंखों को रिलैक्स करने के लिए इस तरह से आप दोनों आंखों में अच्छे से मसाज करें, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। मैं आपको अपने
फेशियल के हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि गलत स्टेप से फेस मसल्स पे दर्द रहेगा और ग्लो नहीं आएगा, इसलिए आप गलत स्टेप्स ना करें फेस पर। इस फेशियल किट से आप अपने फेस पर दो बारी फेशियल करवा सकते हो। स्किन को हेल्दी रखने के लिए महीने में एक बार फेशियल जरूर करें। फोरहेड की फाइन लाइंस दूर करने के लिए आप इस तरह से मसाज करें। मसाज कंप्लीट करने के बाद मैं वेट टॉवल से इनका फेस क्लीन करूंगी अच्छे से। फोर्थ स्टेप है मास्क। मास्क को मैं अच्छे से रोज वाटर या पानी के साथ मिक्स करूंगी और इनके फेस पे अप्लाई करूंगी। मास्क को आप नीचे से ऊपर की ओर अप्लाई करें। पंद्रह मिनट तक आप इसको सूखने दें और बात करना अवॉइड करें। इस तरह से रोज वाटर को कॉटन पैड में डाल के इनकी दोनों आंखों में रख सकते हो, क्योंकि इससे इनकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और ठंडक मिलेगी। मास्क को रिमूव करने के लिए आप गीले हाथों से दो मिनट मसाज करें और फिर मास्क को अच्छे से रिमूव करें गीले टिश्यू टॉवल से। फेशियल कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी सोप का यूज़ ना करें, नेक्स्ट डे ही सोप का यूज़ करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।